Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to all of you from Discovery Ride with Rafia Aslam. And again, I am in Kashmir और मैं पिछले कुछ दिनों से रावला कोट में थी. अब मैं जा रही हूँ एक नए डिस्ट्रिक्ट में टू एन अदर प्लेस एंड इट्स नेम इज़ सुदनोती. वहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसको हम आज देखने जा रहे हैं. उस वाटरफॉल का नाम है कराटा. उसके पास बेसिकली एक जगह है छोटी सी, दैट्स अ पंचक्की टाइप ऑफ अ थिंग जिसको कराट कहते हैं, उसके रेफरेंस उसका नाम रखा गया. तो आज मैंने जाना है वहाँ पे और उसका रावला कोट से अगर मैं डिस्टेंस के वाले से बात करूँ तकरीबन कह लें आपको 40 से 42 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है. और अगर मैं आपको रूट के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँ तो अगर आप रावला कोट से निकलें तो उसके बाद आएगा खाई गला, खाई गला के बाद आएगा छोटा गला, छोटा गला के बाद एक बहुत ही मशहूर जगह आएगी जिसका नाम है बंजोसा. और वहाँ पे बंजोसा लेक भी है, फिर कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं एंड दैट्स अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट एज वेल. और अगर आप बंजोसा से निकले उसके बाद आएगा थ्राट केल के बाद जो है आप पहुँच जाएंगे सुदनोती और वहाँ पर है ये वाटरफॉल. और अगर बंजोसा से इसके डिस्टेंस की बात करूँ तकरीबन ये 20 से 21 किलोमीटर्स बनता है. तो बस अभी सबसे पहले मैं जाऊँगी कराटा और उसके बाद आई हैव अ प्लान अगेन टू कम टू बंजोसा. उसको भी आज कवर करना है, वो भी आपको दिखानी है. लेकिन चूंकि आई हैव टू स्टे ओवर देयर तो मैंने ये सोचा है कि पहले मैं जाऊँगी कराटा सारा घूम के बंजोसा क्रॉस करके एंड देन मार्केट वाली साइड सारा होके पहले वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ से होके उसके बाद यू नो गो टू बंजोसा लेक. तो बस आज का फिर जो सफ़र है उसको शुरू करते हैं. ये जो खूबसूरत सी वाटरफॉल आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है दैट इज़ कराटा वाटरफॉल. और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसको कराटा वाटरफॉल क्यों कहते हैं. बेसिकली कराट जो लफ्ज़ है वो पंचक्की को कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में. तो इसके बिल्कुल साथ एक पंचक्की बनी हुई है जिसको लोकल लैंग्वेज में कराट कहते हैं और उसी के रेफरेंस से इसका नाम रखा गया है कराटा. और ये जो कराटा वाटरफॉल है ये बेसिकली बनी नेचुरली हुई है. आप देख भी सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है. इसकी हाइट का अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट यू कुड से कोई 60 फीट के करीब है. और वैसे तो नेचुरली है बट पीपल डू से दिस एज वेल के बंजोसा और जो त्राट खेल है वहाँ से जो नाले हैं पानी के उनका पानी आता यहाँ पे आके गिरता है. और बेसिकली बंजोसा जो है एक बड़ा फेमस टूरिस्ट पॉइंट वो भी इसके करीब ही लगता है. एंड यू कुड सी अराउंड के ये जो वाटरफॉल है बिल्कुल एक पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है. अगर आप इसको वैसे देखें नॉर्मली क्या होता है कि व्हेनेवर वी गो टू द वाटरफॉल तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं एंड देन वी रीच द वाटरफॉल. अभी तक मैं जितनी अमूमन वाटरफॉल्स पर गई हूँ ये एक ऐसी वाटरफॉल है जो कि आप ऊपर से नीचे जाके इसको देखते हैं. पहले जो है आप मेन रोड पे होते हैं और मेन रोड से कह लें कि कोई एक मिनट सिर्फ आपको चलना पड़ता है, एक मिनट आप नीचे आते हैं और उसके बाद जो है फिर यू फाइंड आउट दिस वाटरफॉल. और ये जो वाटरफॉल है बेसिकली पत्थरों के बीच में घिरी हुई है. मैं आपको जरा वाटरफॉल के करीब जाके आपको वाटरफॉल दिखाती हूँ. लेकिन जब आपने करीब जाना है तो आपने बहुत ध्यान रखना है. बेसिकली ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है इन सारे पत्थरों से और जहाँ जहाँ से पानी बहता है वहाँ पे पानी मुसलसल गुजरने की वजह से आप देख भी रहे होंगे इट्स एलजी विच यू कुड सी. तो उसकी वजह से बहुत स्लिपरी हो जाती है. तो आपने पैर जो हैं वो बहुत ध्यान से रखने हैं. और मैं वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुँच गई और यहाँ तक जो है ना उसकी छींटें आ रही हैं एंड इट्स गिविंग यू सच अ रिफ्रेशिंग फील. हवा का प्रेशर भी थोड़ा सा तेज़ हो गया है बट इट्स लवली. कराटा वाटरफॉल इतनी खूबसूरत वाटरफॉल है ना कि मेरा बस दिल कर रहा है मैं इसको देखती रहूं. ऊपर से गिरता हुआ पानी इतना खूबसूरत लग रहा है ना दैट आई जस्ट वांट टू कीप वॉचिंग इट. अच्छा और पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ सामने एक तालाब से बना हुआ है यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहा है. फिर यहाँ से बहता बहता आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे एक तालाब बना हुआ है वहाँ पे जा रहा है और फिर नीचे को बह रहा है. अच्छा बेसिकली वाटरफॉल जो है ना इट्स काइंड ऑफ अ हिडन वाटरफॉल. आपको क्लियरली है बिल्कुल रोड के साथ ही लेकिन आपको नज़र नहीं आती. अब इसके ऊपर जो ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं इसके बिल्कुल ऊपर से सड़क जा रही है तो नज़र नहीं आती है और बहुत सारे टूरिस्ट को इसका पता भी नहीं है.
ज़्यादातर यहाँ पे लोकल्स आते हैं। मैंने अभी जितने भी लोग देखे हैं यहाँ पे आते हुए, मैंने लोकल्स को ही देखा है। एक स्कूल का ट्रिप आया था बच्चों का, सो मैंने अभी एक्चुअली हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे भी मेरी डिस्कशन हो रही थी एंड दे वर जस्ट सेइंग कि यहाँ पे सिर्फ लोकली ज़्यादातर आते हैं, टूरिस्ट को इतना ज़्यादा नहीं पता। इट्स काइंड ऑफ यू कुड से अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। और अगर मैं इस वाटरफॉल, कराटा वाटरफॉल की बात करूँ, तो दो मेजर टूरिस्ट पॉइंट है जो इसके साथ लगते हैं। एक तो बेसिकली जो है बंजोसा, यहाँ से बिल्कुल आप कह सकते हैं कोई 20-21 किलोमीटर दूर है, वो लगता है। और दूसरी तरफ इसको तिथरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट लगता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान का क्रॉसिंग पॉइंट है। तो ये दो मशहूर जगह हैं जो कि इसको साथ में लगती है। जगह टूरिस्ट पुलिस जो हमेशा मुझे बेस्ट स्पॉट्स बता रहे होते हैं टू गो। और फैसल भाई, तनवीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी प्यारी वाटरफॉल पे लेकर आए हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो मुझे पहले तो मैंने वैसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो मुझे थोड़ा सा आप, मैं चाह रही हूँ कि मज़ीद इस वाटरफॉल के हवाले से बताएगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अच्छा, ये वाटरफॉल है कराटा पार, इसका नाम है। और ये जो आपका सियाती मुकाम रावलाकोट का जो मशहूर तरीन सियाती मुकाम है झील, ठीक है, उससे ये तकरीबन 21-22 किलोमीटर के फासले पे है। और यहाँ से साथ ही अगर आप चले जाएँ खजीरा तहसील में, उसके साथ तितरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से तजारत का सिलसिला भी हुआ करता था, जो कि 2019 के बाद अभी तक पोस्टपेंड है। तो वो ये यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे है। सही, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे थोड़ी कोई ऐसी लोकेशंस बता दें कि जहाँ पे लोग आ सके इस नाज़रीन। वैसे भी कश्मीर तो जन्नत नज़ीर है, तो ये हमारी, हम इस वक्त जो खड़े हैं, ये ज़िला सुधनोती की, ये जना कराटा पार, इसका इलाका ही नाम है, ये आबशार है, इसके नज़दीक हैं हम। तो इधर दूसरा ये पॉइंट है, ये इसका चार ब्याड़ है, वो भी बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। एक वो पलंदरी में अगर वो जाएँ तो डन्ना नगेशियर, वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद इधर रावलाकोट में आप आएँ तो तोली पीर है, बंजोसा लेक है। तो ये हमारी बहुत देखने वाली जो जगह हैं, और इस पर आप आएँ, इंजॉय कर सकते हैं। टूरिस्ट पुलिस हमारा वक्त आपके साथ मौजूद रहती है। एब्सोल्युटली, ये जो जगह बताई ना तनवीर भाई ने आपको, आपने इन पे लाज़मी आना है, क्योंकि दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ रावलाकोट एज वेल। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों की वजह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे आके सेफ सिक्योर फील करते हैं। और हर जगह पे आप साथ साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे कोई लोकेशन के हवाले से मसला हो, रहने के हवाले से मसला हो, या कोई और भी, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वाटरफॉल के बिल्कुल साथ ही एक पंचक्की मौजूद है, जिसके अंदर मैं एक्चुअली मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो चक्की है, इस वक्त ये मकई को पीसी है, और बेसिकली ये पंचक्की है। पंचक्की का मतलब ये होता है कि पानी से चलने वाली चक्की, क्योंकि जो वाटरफॉल से पानी आ रहा है उसी को यूटिलाइज़ करके इस चक्की को जो है चलाया जा रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, जहाँ से आके बिना आपको पानी भी जो है वो नज़र आता है। बेसिकली इसके नीचे जो हैं पंखे लगे हुए हैं, और पानी जब प्रेशर के साथ आता है तो आके पंखों को रोटेट करता है, और उसकी रोटेशन की वजह से फिर जो ऊपर चक्की है ये घूमती है। और बेसिकली ये पूरे कश्मीर का कल्चर है, आप कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ
नॉर्थ साइड का कल्चर है। हम इससे पहले जब कैलाश पे गए थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको इवन पंचकी दिखाई थी, तो यहाँ पे भी पंचकियाँ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं आटा पीसने के लिए, गंदुम जो है उसको पीसने के लिए, फिर मकई पीसने के लिए, बेसन बनाने के लिए, यानी जो चने हैं उनको भी यहीं पर पीसा जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी एक एक दो दो दाने जो हैं वो मकई के आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बेसिकली पानी का प्रेशर जो ना भी बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें ये जो आपको एक चक्की सी नज़र आ रही है ये छोटे साइज़ वाली इस्तेमाल हो रही है ताकि जितना पानी है और जितना प्रेशर है उस हिसाब से इसको पीसा जाए। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर ये आपको दूसरी भी चक्की नज़र आ रही होगी जो कि बड़े साइज़ की है, इनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर जो है आटा बड़ी मिकदार में बनाया जाता है। और इसको लोकल लैंग्वेज में, ये जो चक्की आपको नज़र आ रही है बेसिकली इसको लोकल लैंग्वेज में पुड कहते हैं। वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई, और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, इट्स सुपर ब्यूटीफुल। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी कि बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं, और मैंने भी जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने सिर्फ लोकल्स को देखा है, मैंने कोई टूरिस्ट ऐसा जाते जाते हुए नहीं देखे। और इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस विच इज़ लाइक हिडन एज वेल ना, प्रॉपरली कहीं आपको होता कि जैसे नज़र आ जाती है रोड पर ही, लेकिन आपको नज़र फिर भी नहीं आएगी, आपको नीचे अंदर जाना पड़ेगा और फिर आपको नज़र आएगी, बट इट्स सुपर ब्यूटीफुल। तो अगर आप रावलाकोट वाली साइड पे आते हैं, यानी कि पूंछ वाली साइड पे आते हैं, तो आप सुधर होती जो कि इनका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, आप यहाँ पे भी लाजमी आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि बल्कि वैसे तो बहुत सारे ना ऐसे स्पॉट्स की जिनका तो पता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि डिस्कवर्ड हैं लेकिन एक्सप्लोर्ड नहीं है, और आप वहाँ भी आ सकते हैं, यू कैन विजिट दोज एज वेल। बट अभी आई एम गोना गो टू बंजोसा लेक, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं बंजोसा लेक क्रॉस करके आ गई थी, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम रावलाकोट वाली साइड पे, तो वहाँ से आते हुए आई बिन टू खाई गला और उसके बाद फिर छोटा गला, उसके बाद आती है बंजोसा लेक ना, तो मैंने फिर क्रॉस कर ली थी और मैं सीधा सुधनोती आ गई, और वहाँ पर मैंने फिर कराटा को विजिट किया, और अब मैं वापस जा रही हूँ बंजोसा में। सो बंजोसा लेक बेसिकली इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, और ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे तोलीपीर एक जो जगह है रावलाकोट में, पूंछ एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट में जिसको रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, तो तोलीपीर भी काफ़ी मशहूर है। इसी तरह से बंजोसा जो है वो भी काफ़ी फेमस है, और वहाँ पर आई हैव हर्ड के देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर टूरिस्ट टू विजिट, और उसके अलावा वहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं ना वो भी मौजूद हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी मौजूद हैं, तो अभी मैं जाती हूँ और फिर देखूँगी तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है। तो बस अभी चलते चल के आपको वो दिखाती हूँ, एंड यू नो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज के आई एम ऑन द माउंटेन्स, इनफैक्ट वेन एवर आई एम ऑन द माउंटेन्स आई कीप माई ट्रस्ट ऑन माई बाइक टायर स्पेसिफिकली, विच आर पैंथर टायर्स, बिकॉज यू नो इट के पैंथर का भैया द बेस्ट है भैया, इट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोड ग्रिप, जिसकी वजह से मुझे चलाने में भी इसको एक बड़ा मज़ा आता है, और उसके साथ साथ कि मैं कॉन्फिडेंट भी होती हूँ, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन माई गुड फ्रेंड। सो बस आई एम गोना गो विद माई गुड फ्रेंड माई पैंथर टायर अलॉन्ग विद माई बाइक टू बंजोसा लेक, तो बस अभी वहाँ पर चलते हैं उसको चल के देखते हैं।
आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में रावलाकोट से 20 किलोमीटर के फासले पर वाकई बंजोसा झील को पाकिस्तान के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार किया जाता है। रावलाकोट से आधे घंटे के फासले पर घने जंगलात में वाकई बंजोसा झील की खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती है। This is the Banjosa Lake that I was talking about. और ये अच्छी खासी बड़ी झील है, आप देख भी सकते हैं। People are enjoying, having fun. कुछ लोग जो है बोटिंग भी करें, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ पिकनिक स्पॉट एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम के इसको पिकनिक स्पॉट कंसिडर कर दिया गया। अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे से बात करूँ तो बेसिकली जब आप छोटा गला से आते हैं तो उसके बाद बंजोसा आता है, और बंजोसा के उस साइड पर अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पर बात करूँ तो वहाँ पर एक इलाका आता है, उसका नाम है जिंडाली, और इसी के बिल्कुल बैक साइड पे एक ज़ू है जहाँ पे मैं आज आपको लेके जाऊँगी, क्योंकि इतनी करीब आई हूँ ज़ू पे तो डेफिनेटली लेके जाऊँगी। तो उसको छोटा गला ज़ू कहते हैं क्योंकि वो छोटा गला के साथ ही लगता है, और यहाँ पे बहुत कुछ है, इट्स अ लॉट इन हियर एंड आई कुड सी लोग बहुत सारे यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है। और मुझे ज़्यादातर जो है वो स्कूल ट्रिप्स जो हैं और कॉलेज ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं। खाने पीने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बच्चों के फ़न के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, खाने पीने के अलावा स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अभी जो है बस घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि इस लेक पे और क्या कुछ है। इस झील का जो पानी है, ये जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ के पीछे 7 चश्मे हैं और उन 7 चश्मों से इसका पानी आ रहा है और यहाँ पे आके फिर इकट्ठे हो जाता है। और बाज़ात ऐसे होते हैं कि अगर बारिश में बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये आपको चैनल्स नज़र आ रही होंगी, स्पेसिफिकली चैनल्स बनाई गई हैं पानी के गुजरने के लिए। सो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है ना हल्का 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 गुजर है, क्योंकि अभी पानी जो है ना अच्छा खासा भरा हुआ है, लेकिन दिस इज़ अ प्रोसेस दे हैव मेड फॉर द पीपल टू मेक इट कन्वीनियंट कि अगर कभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन चैनल से गुजर के नीचे उन्होंने सारा पूरा एक एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ पर जाके गिरता है। बंजोसा लेक की अच्छी चीज़ ये है कि इस पे जो एक्सेस है वो बहुत इजी है, डायरेक्ट रोड आती है और रास्ते का कोई मसला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आपको हाइक करके आनी पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे इतना बड़ा जो रश है वो मौजूद है, बहुत से लोग इस जगह पे आसानी आ जाते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। एक और मज़े की बात यह है कि इस जगह पे यू कुड कम फॉर अ वन डे ट्रिप एज वेल। अगर आप पिंडे इस्लामाबाद से हैं तो आपको मैक्सिमम भी 3 घंटे लगेंगे और आराम से आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे। और बेसिकली रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट है वो खासतौर पर इस चीज़ के लिए मशहूर भी है कि उसमें जो वन डे ट्रिप है वो आसानी से हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ सुबह में आते हैं, पूरा दिन स्पेंड करके और रात में वापस चले जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस एंड स्पेसिफिकली अबाउट रावलाकोट एज वेल। और वैसे अगर इस झील की बात करूँ तो यू कुड सी बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, बोटिंग आप देख सकते हैं, पीछे लोग बोटिंग को इन्जॉय करें। और ये पिकनिक स्पॉट जो है ना, कह लें कि कोई बनाया गया था 1982 से 1985 के बीच में, और उससे पहले तो बेसिकली आपको अगर यहाँ पे नज़र है ना, क्रॉसिंग से जो बनी है इस तरह से नहीं थी, फ्लो था इसका नीचे को जो चला जाता था, लेकिन फिर दिस गवर्नमेंट लाइक AJK गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव और ये प्रॉपर फिर एक लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आके कितना एंजॉय कर रहे हैं। बंजोसा झील पे आने वाले सियाह बोटिंग से भी लुत्फंदोज होते हैं। यहाँ गर्मियों में भी मौसम खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक चला जाता है।
अगर आपने जितनी भी भीड़ नजर आ रही है इससे थोड़ा सा आपने दूर जाना है एंड यू वांट टू हैव सम पीस, तो यू कुड डू वन थिंग कि ये जो ट्रैक एक है ये जा रहा है सीधे जंगल को, तो आई हैव टेकन दैट ट्रैक बिकॉज आई थॉट ऑफ के आई एम गोना गो टू द जंगल। आपको पता है कि मैं तो हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में होती हूँ जहाँ पे सिर्फ सुकून हो और कोई भी ना हो। ये तो स्पेसिफिकली जगह इसलिए थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आ सकें, लेकिन इसके साथ साथ इसी जगह पे अगर आप एक पुरसकून जगह भी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ, तो वहाँ चल के देखती हूँ कि व्हाट यू कुड हैव ओवर देयर। आई कैन सी बच्चे मछलियाँ पकड़े हैं। हेलो, हाय, हल्की सी हाय निकली है। मछलियाँ पकड़े हो? कितनी पकड़ी गई? चार। दिखाओ। वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। वाह वाह, कैसे पकड़ी है? देख के ध्यान से कैसे पकड़ी है? नॉट से? वाह वाह, तो क्या करोगे इन मछलियों का? क्या करना है? घर लेके जाना है? निकालो, हाथ से पकड़ो। डर लग रहा है। नहीं वो कैसे थे, डर लग रहा है? अच्छा चलो ये लो ले जाओ। कौन पकड़ कौन रहा है? फ्रेंड्स हैं सब आप लोग? अच्छा आप सब फ्रेंड्स हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से? हजीरा से आए हैं। हजीरा मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लोकेशन है आई गेस। सही। स्कूल कौन सा आपका? शाहीन कॉलेज। वेरी गुड। क्लास कौन सी है? क्लास फिफ्थ क्लास। वेरी गुड, ध्यान से मछलियाँ पकड़ो। फिफ्थ क्लास के बच्चे मछलियाँ पकड़े। मैं तो अपनी मनपसंद जगह पे आ गई हूँ। यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई शोर शराबा नहीं सुनाई देता। यहाँ पे आपको सिर्फ परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और एक परिंदे की आवाज़ नहीं, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें। मैं तो तब से गौर ही करी हूँ कि कौन सा परिंदा किसकी आवाज़ है, कुछ समझ भी नहीं आ रही। हाँ कोयले वाह है जिसका मुझे पता चलता है, या कौवा जो है इनका मुझे पता चलता है। बाकी पता नहीं तरह तरह कितने खूबसूरत खूबसूरत परिंदे हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ों वाले परिंदे हैं कि यू कैड नॉट इवन इमेजिन के वट यू आर सीन। तो यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं परिंदे कहीं ना कहीं दरख्तों पर बैठे हुए, और उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, हवा भी हल्की हल्की से चल रही है। मज़े की चीज़ ये है, खामोशी है, सुकून है। सो ये जगह थी, मैं कब से ढूँढ रही थी। अब मैं यहीं पर बैठूँगी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। तो दिस वॉज बंजोसा लेक जो कि मैंने आपको दिखाई, और अभी मैं आपको लेके जाऊंगी एक और जगह पे, आज की आखिरी जगह पे, एंड दैट इज़ द जू। और वो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से कोई 10-15 मिनट ही ऊपर है। तो बस अभी वहाँ चलते हैं, और चल के वहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर।
मैं इस वक्त छोटा गला चिड़िया घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परिंदे भी मौजूद हैं, कुछ जानवर मौजूद हैं, मेरे ख्याल से बंदर हैं और कुछ और, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे परिंदे मौजूद हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर है, फिर पीछे एक कोक तब जो की लोकल लैंग्वेज उसने कहा जाता है, कुछ तोते मौजूद हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे तरह तरह के बहुत खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं। और यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं ये सारे के सारे, इनका जो बेसिकली हैबिटेट है ना वो यही जंगल है, वो यही जगह है, कश्मीर इनका हैबिटेट है, इनको यहाँ पे रखा गया है। और इसके अलावा कुछ जानवर भी मौजूद हैं, तो अभी ऊपर चल के देखते हैं यहीं कहीं पर कुछ जानवर हैं, देखते हैं कि कौन से जानवर। यहाँ पे ना सिर्फ परिंदे मौजूद हैं बल्कि जानवर भी मौजूद हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे बंदर मौजूद हैं। आपको पता है कि बंदर इतने शरारती होते हैं ना, तो अभी भी मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज आई कुड सी देम डूइंग सम मिसचीफ्स, और पता नहीं बंदर क्या कुछ करें, कोई ऊपर चढ़े, कोई कुछ और करें, सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बट बेसिकली दैट्स अ वाइल्ड लाइफ पार्क एंड दैट्स अ ब्रीडिंग सेंटर एज वेल। और यहाँ पे ना सिर्फ बंदरों के लिए, सिर्फ जो परिंदे मौजूद हैं उनके लिए सेटअप किया गया, बल्कि प्रॉपर बाकी भी जितने जानवर हैं उनके लिए भी यहाँ पे केजेस बनाए गए हैं, जगह बनाई गई हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं शायद उनको यहाँ पे भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो कश्मीर, हाउ ब्यूटिफुल कश्मीर इज़ एक एट फर्स्ट। दूसरा ये कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है दैट सुपर ब्यूटिफुल, आपको यहाँ पे हर तरह का जानवर भी मिलेगा, यहाँ पे हर तरह का परिंदा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे इलीगल हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे उस पर कहलें कि कोई रोकथाम नहीं है। और आपको पता है कि एक मेजर प्रॉब्लम है अगर इलीगल हंटिंग इसी तरह से जारी रहे, जनरली भी इस तरह से हंटिंग जारी रहे, तो फिर हमारे बहुत सारे परिंदे और बहुत सारे जानवर जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी थ्रेटन स्पीशीज़ हो जाती हैं, और आपको पता है कि फिर उनका जो नामो निशान है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, और उसके लिए वी कुड डू वन थिंग कि हम ट्रॉफी हंटिंग जो है वो उसकी तरफ आ सकते हैं। आई गेस जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली दे नीड टू वर्क ऑन दिस, और अगर ये जगह जो है बाकी जानवरों और परिंदों से भी भर जाए तो आप देखें कि यहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे विजिट करने के लिए। और ये जो जगह है अभी नीचे से मैं वेंजोसा लेक से होकर आई हूँ, वहाँ से तकरीबन के लिए कोई 15 से 20 मिनट लगते हैं, और इसका रास्ता इतना खूबसूरत है और बिल्कुल ऊंचाई पे, यानी कि यहाँ पे लोगों का बिल्कुल रुझान है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो पीपल डू कमिंग हियर। तो अगर यहाँ पे बाकी भी जानवर और परिंदे आ जाएंगे तो फिर लोगों के लिए भी आसानी होगी, दे कुड कम अप इन हियर एंड हैव फन विद फैमिलीज। आप देखें कि लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप किया गया, देयर इज अ सिटिंग एरिया फॉर द पीपल एंड देयर लॉट ऑफ लाइक प्ले ग्राउंड, वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं वेयर दे कुड एंजॉय इट वेल। सो आज मैं आपको लेकर गई गराटा वाटरफॉल पे, उसके बाद मैं आपको लेकर गई वेंजोसा लेक, और वहाँ से फिर मैं आपको इधर लेकर आई एट छोटा गला वाइल्ड लाइफ पार्क, और ये भी बहुत खूबसूरत जगह है टू कम इंशाल्लाह। आपको अब मैं मिल रही हूँगी एक और डिस्ट्रिक्ट में, आई एम गोना गो टू बाग, और वहाँ पर बहुत सारी जगह टू एक्सप्लोर, लेकिन उनका मैं डेफिनेटली आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ से आई एम गोना गो नाउ टुडे, और मेरा आज यहाँ पर आखिरी दिन है, सो आई एम गोना से गुड बाय टू यू गाइज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी टूरिस्ट पुलिस का, खास तौर पे जिन्होंने थ्रू आउट मुझे हेल्प आउट किया है, पूरी डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को हेल्प आउट किया है, जब से हम आए तब से दे बिन हेल्पिंग आउट थ्रू आउट, और हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं दे बिन विद आस, दे बिन सपोर्टिंग आस, दे बिन एक्सप्लेनिंग अस अबाउट द प्लेसेस, और उसके साथ साथ जहाँ पे हमें वैसे भी मदद की ज़रूरत होती है किसी किस्म की भी, सो दे आर हेयर। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फैसल भाई आपका खास तौर पे शुक्रिया, तनवीर भाई आपका खास तौर पे शुक्रिया, एंड सल्यूट टू यू गाइस कि जिस तरह से आप टूरिस्ट को हेल्प आउट करें, ना सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को बल्कि यहाँ पे कोई भी होता है सबको इसी तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आई हैव सीन दिस थिंग एज वेल कि जब ये लोग हमारे साथ जा रहे होते हैं और अगर रास्ते में भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये रुक के उनको हेल्प आउट करके और फिर आगे जाते हैं।
तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से टूरिज्म बेसिकली जो कश्मीर में है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। सो इसी के साथ आई एम गोना से गुड बाय टू यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ एसम। अल्लाह हाफिज़।